आप आज यहाँ पर आई किश्तवाड़ में और आपने पार्टी का प्रोग्राम किया, इस क्या प्रोग्राम ही है और क्या बताना चाहेंगे आप पार्टी की अचीवमेंट्स को लेकर, क्योंकि अब इलेक्शन आगे आने वाले हैं और लोग जानना चाहते हैं कि जो उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें किश्तवाड़ में बीजेपी ने क्या क्या काम किए। जी बिल्कुल, पहले मैं बता दूं कि मैं भाजपा की प्रवक्ता जम्मू कश्मीर की हूं, रजनी सेठी। मीडिया के इंचार्ज के नाते जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं पूरे जम्मू कश्मीर को देख रही हूं। पिछले 3 दिन से चिनाब वैली के दौरे पे हूं, परसों रामबन में बैठक थी, कल डोडा में थी और आज किश्तवाड़ में है। मकसद हम लोगों का एक ही है कि किस तरीके से मीडिया सक्रिय हो, हमारी मीडिया की मैनेजमेंट की टीम किस तरीके से काम करे, किस तरीके से हमारे प्रवक्ता ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से मिले, मीडिया की मैनेजमेंट जो है आप लोगों के साथ कैसे रابطہ कायम करें ताकि हमारे बीच की बॉन्डिंग अच्छी रहे। आप मीडिया के लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो हमारी मीडिया मैनेजमेंट की टीम है, आप लोगों के साथ दिन हर दिन की जो चर्चा रहे, यहाँ पर जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, जो मोदी जी ने काम किए हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग के लिए किए चाहे मुसलमान वर्ग के लिए किए, वो लोगों तक पहुँचाए। और आने वाले दिनों में जब भी चुनाव की घोषणा होगी तो हमने प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी को बनाना है, उसके लिए संकल्प आज हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। चाहे वो हिंदू वर्ग था चाहे वो मुस्लिम भाई थे, सभी एक ही मत में बात कर रहे थे कि मोदी जी ने हम सबके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और इस बार हम फिर से भाजपा की सरकार केंद्र में बनाने जा रहे हैं और काफी मेजोरिटी से अबव 400 प्लस की सीटें लेकर हम लोग केंद्र में मोदी जी को फिर से लाने जा रहे हैं। मैम, यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू जो है वो एयरपोर्ट का है, कई सालों से बोल रहे हैं एयरपोर्ट बनेगा लेकिन अभी नहीं बना। संकपुरु वायलू टनल जो कश्मीर के साथ जोड़ेगी उसको लेकर जो है वो अभी तक नहीं बना है। जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी ये शिकायतें हैं कि जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं उनको जो है यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या बताएंगी? और ख़ासतौर पर जो नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का मालीपेट से लेकर जो DC ऑफिस तक का यहाँ जो आगे चलकर जो वाइडनिंग रुकी हुई है पिछले 20 सालों से, तो उस पर क्या बोलेंगी, क्या पार्टी करेगी? देखिए, मैं आपसे निवेदन इतना करना चाहूँगी, मीडिया भाई जितने भी हैं, जो मोदी जी ने पॉजिटिव काम किए हैं, मैं कल आ रही थी रामबन के रोड पे, पहले कहाँ 2 साल पहले वहाँ 3.5-4 घंटे में हम लोग रामबन पहुँचते थे, आज 2 घंटे में हम लोग रामबन पहुँच रहे हैं। जो पॉजिटिविटी उन्होंने रोड्स की है, कहीं ना कहीं रोड वाइडनिंग की बात करूं चाहे डेवलपमेंट की बात करूं, आज लग नहीं रहा कि जम्मू से दूर है कहीं किश्तवाड़ या रामबन या डोडा। बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो काम रुके हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब 2024 में फिर से सरकार बनेगी, जितने भी हमारे मसले रुके हुए हैं वो मसले हम जल्द से जल्द पूरे करेंगे और ये मसले होंगे भी हल हमारे मोदी जी के कार्यकाल में, क्योंकि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प लिया है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरीके जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर जाएगा। मैम, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ नागसिनी का एक गाँव जो है गोद लिया था कि उस गाँव को क्या से क्या वो बनाएंगे, लेकिन अगर अभी भी आप वहाँ जाकेंगे उसकी हालत जो है बद से बदतर है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी एक बार बात करूंगी, मुझे नहीं लगता कि हमारे मंत्री कोई भी ऐसे होंगे जिन्होंने कोई जिम्मा लिया होगा और उसको पूरा ना किया होगा। अगर आपके माध्यम से मेरे तक ये बात आ रही है, जरूर मैं जम्मू जाकर आदरणीय मंत्री साहब से बात करूंगी कि उस गांव के बारे में नेगलेक्ट क्यों हो रहा है, हो सकता है उनकी व्यवस्था इतनी हो रही हो क्योंकि केंद्र में वो मंत्री हैं और आए दिन उनका कहीं ना कहीं टूर रहता है और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, तो फिर भी इस सिलसिले में उनसे जरूर बात करूं। मैडम, SC ST को और जो पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर जो है वो काफी सवालात उठ रहे हैं, और अगर हम किश्तवाड़ की बात करें यहाँ पर पाडर को भी जो उसमें इंक्लूड किया गया है और लफ्ज जो है वो पहाड़ी ट्राइब इस्तेमाल किया गया है, मैं जानना चाहूंगा कि पहाड़ी ट्राइब कौन है, क्या इसमें मुस्लिम्स भी आते हैं जिनको रिजर्वेशन मिलेगी? देखिए, बहुत सालों की एक डिमांड थी कि भाई पहाड़ियों को उनका ST स्टेटस दिया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो पिछली कई सरकारों ने नहीं लिया, सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया इस कम्युनिटी को, वाल्मीकि समाज को भी SC का दर्जा दिया गया है, कहीं ना कहीं एक हम पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं। ये अभी पूरा डिटेल में दिखाया जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन सा तबका इसमें इंक्लूड किया जाएगा, मगर इनिशिएटिव लिया गया है, उसके लिए हम मुझे लगता है कि सारी कम्युनिटी हमारे ऑफिस में भी आई थी, उन्होंने धन्यवाद किया था मोदी जी का, एक पॉजिटिव स्टेप है, उसका सराहना सभी को करनी चाहिए।